गौड़ी के ललनायो ललना गिरिजा के ललना गणपति जी की आरती उतारियो न गौड़ी के ललनायो ललना गिरिजा के गौड़ी के ललना। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिज ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज, कल का वीडियो आप लोगों ने देखा कि नहीं? अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जा कर के देख लीजिए, एंड अगर देख लिया है तो इसके लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू। तो गाइज, ये जो ब्लॉग है ये दो तीन दिन पहले का है, आई थिंक। और मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी, उसका कारण है मैं बताऊंगी। बट उससे पहले मैं ये बता दूं कि अभी मिट्टी एकदम गंदी दिख रही है शाम, क्योंकि बहुत देर से ये खेल रही है। और नीचे देखिए कितना मिक्सचर ये गिरा हुआ है, तो ये ऐसे ही मिक्सचर इसको दे देती हूँ तो ये खाती नहीं, बस नीचे डालेगी, फिर कटोरे में डालेगी, फिर नीचे डालेगी, ऐसे करते करते पूरे हाथ वाथ में उसका जो मसाला होता है ये सब लग जाता है, मुँह सब में लगा लेती है और इसी तरह से खेल रही है। तो अभी शाम के टाइम, लगभग शाम हो ही चुका है, तो ये खेलेगी और थोड़ा और अंधेरा हो जाएगा तो इसको मैं साफ़ कर दूँगी, ड्रेस व्रेस चेंज भी कर दूँगी। बट अगर नहीं भींगेगा तो नहीं भी ड्रेस चेंज करूँगी। बट ऐसा होता है ना, कभी मैं इसको ले जाती हूँ साफ़ करने अगर बाथरूम में, तो ये जैसे पानी खुद से पानी ले लेगी, या फिर अगर नल चलाऊँगी तो उस पर ऐसे हाथ डालो, इसको बहुत मज़ा आता है पानी से खेलने में। तो गर्मी का टाइम है तो मैं थोड़ा देर छोड़ देती हूँ। और हाँ, मेरा जब कभी कभी जैसे जिस टाइम इसका नहाने का होता है, अगर उस टाइम मेरा ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है तो मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ देती हूँ, तो ये सबसे अच्छे से पानी से खेल लेती है और मेरा काम भी हो जाता है। तो ऐसा कभी कभी करती हूँ, ऐसे हमेशा नहीं करती हूँ, नहीं तो सर्दी वर्दी हो जाएगा। तो ये वही खेल रही है, यहाँ पे देखिए कितना पसीना पसीना एकदम काली काली एकदम दिख रही है। और इधर ये खेल रही है, मैं भी हूँ, इसके पापा भी है, और उधर मैं बना रही हूँ किचन में कुछ। तो यहाँ पे अभी शायद हाँ यहीं पे हूँ मैं अभी, और किचन में अभी बॉयल करने के लिए रखा है छोला चना। रात नहीं, दिन सुबह में मतलब कि भिगो कर डाल दिया था, बट उसको एक सीटी लगा दूंगी तो अच्छे से हो जाएगा। तो जब तक वो हो रहा है, सीटी दे चुका है, अब मैं जाऊंगी बनाने के लिए, तो जब तक वो हो रहा है तब तक मैं इसका खेल खेल देख रही हूँ। एंड ये हो चुका है, तो मैं जिसमें सीटी लगाई थी छोले को, छोला निकाल करके और उसी में थोड़ा खंगार करके और उसी कुकर में मैं बना रही हूँ। तो उसमें तेल डाला है और मस्टर्ड ऑयल मेरे पास नहीं था तो रिफाइंड ऑयल डाला था। एंड ये जो खड़ा मसाला है इसको थोड़ा सा कूट लिया है, एंड सबसे पहले खड़ा मसाला डाल करके और इसमें जीरा डाल दूँगी। और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ। वैसे आप लोग सोचते होंगे कि सब में सब्जी में हर चीज़ में बोलती है सिंपल तरीके, तो मैं चाहती हूँ कि जितना सिंपल तरीके से बन जाए और थोड़ा टेस्टी भी। और ये प्याज मैंने थोड़ा मोटा ही रखा है क्योंकि चॉप करने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था, तो मैं इसी में इसको गलाऊंगी। एंड फिर जब तक उसको कम करके फिर से मैं यहाँ पे आ गई हूँ मिट्टी के पास, तो क्योंकि वैसे भी गर्मी लगता है किचन में, तो उतना देर खड़ा होने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो जब तक प्याज हो रहा है तब तक मैं इधर आ जाती हूँ। और इस रूम में मैंने एक बेड लगा रखा है छोटा सा, कि ऐसे ही बैठूँ और मीठी खेले, और कुछ तो है नहीं वैसे। और हम लोग वैसे भी रेंट पे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखा है, जितना ज़रूरत हो वॉशिंग कूलर फ्रिज जितना ज़रूरत हो उतना ही मतलब रखा है, ज़्यादा नहीं रखा है। और हाँ, एसी लेने का भी सोच रही हूँ, बट ये हर मकान में एसी लगा हुआ नहीं रहता और ना ही लगाने दिया जाता है, जैसे यहाँ भी मना किया है लगाने के लिए, तो होता है हर जगह नहीं होता है, बट लेने का सोच रही हूँ। तो यहाँ पे एक बेड लगा दिया है, और कभी कभी ये होता है कि जैसे कपड़े उतार कर लाई तो यहाँ पे रख दी और यहीं पे बैठ करके उसको फोल्ड कर लेती हूँ, और नहीं तो यहाँ पे बैठ जाती हूँ, मिट्टी खेलते रहती है तो अच्छा लगता है। वैसे देखने में अच्छा नहीं लग रहा है बट ऐसे रहता है तो थोड़ा सुविधा रहता है, इसलिए मैंने एक गद्दा लगा दिया है वहाँ पर। और ये मिट्टी इस पर इधर उधर करती है तो वो बेड चादर भी मुड़ गया तो अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, देखिए।
तो ये मिठी इसमें बाबा ये कुछ कुछ बोल रही है और गोद में खेल रही है। यहाँ पे आ जाती हूँ ताकि थोड़ा सा ठंडी हो जाओ ये फैन के नीचे, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा भी गर्मी के मौसम में खाना बनाना सबसे हार्ड वर्क है यार। खाना बनाना, रोटी और सब्जी बनाना तो सबसे ज़्यादा, दाल चावल ये सब तो चलो थोड़ा कम भी होता है मेहनत, बट रोटी और सब्जी बनाने में ये दोनों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। तो मैं यहाँ मीठे के साथ थी, तब तक इसके पापा किचन में थे, कुछ स्पेशल बना रहे थे और वो स्पेशल यही है सूप, इनके लिए यही सब स्पेशल होता है। तो वो बना कर ला रहे थे, मतलब ले आए हैं, और ये अच्छा बनाते हैं, इसमें सोयाबड़ी और गाजर पता नहीं क्या क्या सब डाल करके बनाते हैं, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मीठी आस लगाए बैठी हुई है कि कब मेरे मुँह में आएगा, तो वो ठंडा करके दे रहे हैं, अभी ठंडा कर रहे हैं और ये सोच रही है कब ठंडा होगा मेरे मुँह में आ जाएगा। और इसको भी अच्छा लगता है ये सब चीज़, मीठा से ज़्यादा इसको नमकीन पसंद है। वैसे मीठा भी कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें होता है जो थोड़ा बहुत खा लेती है, बट नमकीन ज़्यादा पसंद है। और वैसे शायद ऐसा होता है जो माँ बाप को पसंद होता है वो बच्चे को भी पसंद होता है, ऐसा होता होगा, क्योंकि जो हम लोगों को पसंद है तो मीठी हुई मीठी भी वो सब चीज़ खा लेती है जो नमकीन या फिर कुछ भी होता है तो खा लेती है थोड़ा बहुत। तो मैं भी यहाँ पे बैठ गई थी और ये देखिए मीठी एकदम गौर से देख रही है, एकदम जैसे जैसे इसके पापा ले रहे हैं और खिला रहे, एकदम इसको बहुत मज़ा आ रहा है। तो यहीं पे मैं बैठ गई थी और उधर मेरा किचन में बन रहा है, बन क्या रहा है मतलब कि वो प्याज जो रखा था वो थोड़ा गलने के लिए छोड़ दिया था कम करके, और कुकर का वो जो ढक्कन होता है वो ढक करके। तो अब मैं जाऊँगी किचन में, और मैं 2 दिनों से वीडियो नहीं डाल रही थी, मतलब ब्लॉग नहीं बना रही थी, इसका भी मैं कारण बताने वाली हूँ, बहुत ही बैड न्यूज़ है मेरे लिए, तो बताऊँगी। तो उसके पहले मैं चलती हूँ किचन में। तो किचन में मैं इसमें मसाला डाल दी, क्लिप लेना भूल गई थी, तो जब प्याज हो गया था तो मसाला डाल दी, वही मसाला जो हर सब्ज़ी में डालते हैं मैं वही मसाला हर चीज़ में डालती हूँ, कुछ ज़्यादा स्पेशल कुछ नहीं। और यहाँ तक कि छोले मसाले भी मेरे पास अभी नहीं था, तो जो एक्स्ट्रा में वही जो खड़ा मसाला था वही मैंने डाला था। और इसको धीरे धीरे चला करके फिर से थोड़ा ढक करके थोड़ा थोड़ा पका करके और इसमें अब पानी डाल देना है, जितना आपको रिक्वायर्ड हो, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना पानी डाल करके, और ये ढक्कन लगा देना है, 1 या 2 सीटी लगाने के बाद इसको बंद कर देना है। उसके बाद आप कोरिएंडर लीव्स डाल सकती हो, धनिया पत्ता, और मेरे पास ज़्यादातर नहीं ही होता है तो डाल सकती हो। तो मैं यहाँ पे ढक्कन बंद करके आ गई हूँ अब रूम में, ये लोग अब इस रूम में आ गए हैं, और ये यहाँ शैडो से खेलती है, जैसे ये डांस कर रही है ना तो ये दीवार पे इसका शैडो बनता है, तो यहाँ इसको देख देख के पता नहीं इसको क्या लगता है, बहुत ज़्यादा खुश होती है, इसको लगता है पता नहीं कोई और भी मेरे साथ डांस कर रहा है कि क्या, पता नहीं क्या लगता है, उसी को देख देख के एकदम खुश हो रही है। और मैं बताने वाली हूँ जो बैड न्यूज़ के बारे में, वो ये है कि मेरा जो फ़ोन था सैमसंग A1 था, 24,000 का फ़ोन था, वो मेरा ख़राब हो चुका है। रैम्स चल रहा था और रैम्स चलते चलते वो गिर गया और उसका डिस्प्ले चला गया, ऊपर का फोटो और डिस्प्ले भी ख़राब हो गया। रैम चल ही रहा था, चलते चलते आके वो डिस्चार्ज होकर के बंद हो गया, लेकिन अभी वो सर्विस सेंटर में 2 दिन से दिया हुआ है पर बोल रहा है अब नहीं बनेगा। तो आज कंफर्म पता चला है नहीं बनेगा, नहीं तो मैं आस में थी कि बन जाएगा तो मैं वीडियो बनाऊंगी, एंड आखिरकार नहीं बना। और ये मेरे लिए बहुत ही बुरा न्यूज़ है, बहुत दुख हो रहा है यार, रोने का मन कर रहा है, क्योंकि फ़ोन से एक तरह से लगाव हो जाता है किसी, अभी भी मन कर रहा है कि काश बन जाता, जिसका जैसा फ़ोन होता है उससे उसको प्यार हो जाता है। और अभी हम लोग लेने वाले भी नहीं थे पर अब लेना होगा, और कोई भी फ़ोन हो 15-16 हज़ार से ऊपर का जाओ तभी अच्छा फ़ोन मिलता है, तो देखिए अब लेना ही होगा। तो यही मेरा बैड न्यूज़ था और इसीलिए मैं नहीं मतलब कि वीडियो बना रही थी। तो ये मेरा छोला बनकर तैयार हो गया है, आप लोग भी खा लो और बताना कैसा लगा। और अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।